ये घाघरा नदी का अंश है और ग्राम सभा पुराना रघुनाथपुर के प्रधान जी हैं और संभ्रांत ग्रामवासी हैं। और इस समय जो है बाढ़ की आशंका ज़बरदस्त है, क्योंकि बाढ़ के चलते जो है यहाँ का दो ग्राम सभा, इन ग्राम सभा में दो पुरवे, पुराना रघुनाथपुर के दो पुरवे, 80 पुरवा और 90 पुरवा बिल्कुल कटान के खतरे पे है। बहुत से घर कट गए हैं और कुछ कटान के बिल्कुल कगार पे हैं। प्रधान जी हैं, हम इनसे बात करना चाहेंगे। बहरहाल इसमें तेज़ धार आप लोग देख रहे होंगे, काफ़ी तेज़ धार ये बह रहा है और जैसे ही पानी थोड़ा सा हल्का घटेगा तो और तेज़ी से कटान होगी। और ये गांव के संभ्रांत लोग हैं, ये लोग बाढ़ग्रस्त से पीड़ित हैं। प्रधान जी, इस समय आपके पुरवे दो पुरवे, 90 पुरवा और 80 पुरवा ज़बरदस्त तरीके से कटान पे है, कट रहे हैं, तो सरकार से क्या मांग चाहेंगे आप? किस प्रकार की आपको मतलब एक मांग आप लोग उठाना चाह रहे हैं, सरकार से क्या अपील करते हैं इस वीडियो के माध्यम से बताइए। बंदा बनना चाहिए और लोगों का जो कटान रुक जाए, बंदा बन जाएगा, दो तीन बंदा तो कटान रुक जाएगी। हाँ बिल्कुल सही है, अगर बंदा बन जाए, ठोकर लग जाए जगह जगह, तो काफ़ी लोग इससे सुरक्षित हो जाएंगे, गांव बच जाएगा बिल्कुल। देखिए ये गांव है, ये गांव 80 गांव है और ये कटान पे बिल्कुल है, और उधर जो है 90 गांव दिख रहा है, पूरी तरीके से नदी किनारे है, तमाम घर कट गए हैं, रहने का आश्रय नहीं है लोगों को। और ये सारे लोग जो है इसी बात की मांग कर रहे हैं कि यहाँ सरकार जो है या बंधा बंधवावे या ठोकर लगवा दे, इस तरीके से कुछ व्यवस्था करे जिससे कटान रुके, यही पूरे ग्रामवासियों की मांग है। क्यों, आप लोगों की यही तो मांग है? चलिए आप लोगों की मांग को इस वीडियो के माध्यम से पहुंचाया जाएगा। ये सारे लोग ग्रामवासी देखिए, ये सभी लोग आ रहे हैं, अभी भी देखे हैं कि तमाम लोग आ रहे हैं, तो ये देखिए सब लोग आ रहे हैं और सभी की मांग है। देखिए ज़बरदस्त तरीके से ये घाघरा की नदी उफान पे है इस समय और ज़बरदस्त तेज धारा चल रही है। सरयू नदी है, घाघरा का अंश है, तो ये सारे लोगों की एक ही मांग है। ये देखिए घर अब बहुत जल्दी कट जाएगा, ये घर कटने की कगार पे है, लोग नदी के किनारे खड़े हैं और जब ही ना कट जाए, बहुत जल्दी कटने वाला है। तो हम थोड़ा जूम करके आप लोगों को दिखा रहे हैं, ये देखिए बिल्कुल नज़दीक है, घर कटने वाला है। तो सरकार से इस वीडियो के माध्यम से अपील है, जहाँ तक भी ये वीडियो जाए सभी से अपील है